अभी आना होता है इसने। जब भी मैं काम कर रहा होता ना, इसने पीछे से टू गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमजान मुबारक मेरी तरफ से। और ब्लॉग थोड़ा लेट है, अरे मिल के हमको पागल बना रहा है। सो आज का ब्लॉग थोड़ा आर्ट के रिलेटेड है। सो अपनी कला को जाहिर करेंगे जो नहीं उर्दू में उसको कहते हैं अपनी। 5 minutes later आपसे बात करना चाहूँगा वन ऑन वन कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी अड़े नहीं हैं। हम सोच रहे थे इस दौरान कि हमने क्या सोचना, तो लफ्ज़ याद नहीं आया, फॉरगेट। तो पहले सबसे पहले मुझे सॉरी कि व्लॉग थोड़ा सा लेट है। कंट्रोल उदय, आपने क्या मुझे मिस किया आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये भी बताएं कि सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं कि पेट भर भर के क्या खा रहे हैं और मुझे बताएं। सो आपको तो पता ही है कि रमज़ान है, तो पिछले इस नहाने की वजह मैं नहीं बताऊंगा। ब्लॉग की यही है सबसे मेन रीज़न कि एक तो रमज़ान चल रहा है, दूसरा ये है कि इतना पैकअप सिचुएशन होती है कि तो उसमें इतना कोई बिजी होते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता है। तो मेन सबसे मेनली मेन रीज़न तो यही है। और दूसरी बात ये है कि ओनली फॉर यू कि आपके लिए मैंने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ओनली। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। रमजान के दिनों में भी सो यार कुछ तो होगा, ये तो होगा। एक्चुअली नॉक हुआ है तो मैं चेक करता हूँ। कौन? हम बोल रहे। कौन बोल रहे? हम बोल रहे। बोल रहे कौन? बोल रहे हम। बोल रहे कौन? बोल रहे हम। बोल रहे कौन? बोल रहे हम। बोल जोका पार्ट्स तो चीज़ें वगैरह लेने आए थे तो वो लेके चले गए। सो देख ही रहे होंगे कि दाढ़ी बूढ़ी बढ़ चुकी है दाढ़ी। सो इसको भी रमज़ान के बाद ट्रिम कराएंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सर आ चुके हैं और जाएं इनको लें इनकी चीज़ें और ट्राई करें इनकी। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सर था, इनको शाउट आउट दे दिया मैंने। ये चीज़ है जो जो वालों की यार होगा। सो ठीक हो गया और आप चेक करें। सो मेरी क्लास है अब, तो मैं थोड़ी क्लास ले लूँ और आपसे बाद में कंटिन्यू मैं करता हूँ। और आए आर्ट की तरफ चलते हैं जो आज हमने पेंटिंग करेंगे। सो मैं ऊपर आ गया, तो अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो मैं क्या करने लगा, कौन सा आर्ट दिखाने लगा, तो मैं शुरू से ही कैलीग्राफी करता आ रहा हूँ, तो आज भी आपको कैलीग्राफी ही करके दिखाऊंगा। और मुझे नीचे सजेस्ट करें कि आने वाले ब्लॉग में आप कौन सी मतलब कैलीग्राफी मैं करूँ और कौन से फाउंड से करूँ स्टाइल से करूँ, वो मुझे सारे कमेंट्स में बताएं आप लोग। चले आए फिर मैं कैलीग्राफी स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस कैलीग्राफी ऑलमोस्ट डन है। सो चले आए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है कैलीग्राफी। और रात के 1 बज रहे हैं, ये शायद आपको टाइम दिख रहा होगा नहीं। सो ये मैंने बनाई है कैलीग्राफी और इसका 360 व्यू हम देंगे। और ये आपको लगा के मैं चेक करूँगा और कैसी दिखती है, और कमेंट्स में बताइए कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं ऐसे ही कैलीग्राफी और मज़ीद से मज़ीद बनाता जाऊँगा और
मज़ीद मैं भी अच्छे डिज़ाइन आपके सामने लेके आऊँगा कैलीग्राफी के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली आपको वीडियो हर वक्त मिल सके। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।